सो गाइस आज हम सीखेंगे मसलअप। मसलअप सीखने से पहले आप आपका हाथ हाथ का पूरा स्ट्रेचिंग कर लेना। तो स्ट्रेचिंग करने से क्या होगा, अगर जब आप पुलअप देंगे तो आपका हाथ एकदम ठीक रहेगा। तो मसलअप से पहले आज आप करेंगे एक्टिव हैंड। एक्टिव हैंड करने से क्या होगा, आपका हाथ की एनर्जी थोड़ा बढ़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा ही बढ़ेगा। फिर एक्टिव हैंड आप 30 सेकेंड कर लेना। फिर आप करेंगे पुलअप। पुलअप आपको मैक्सिमम 10 तो आना ही चाहिए, पुलअप ठीक तरह से 10 आना चाहिए। फिर आप करेंगे चिनअप। चिनअप हाई पुलअप्स, मतलब चिनअप हाई चिनअप्स, ये करने से क्या होगा, आपका पुलअप का मतलब आपका पुलअप का एनर्जी थोड़ा बढ़ेगा। फिर आप करेंगे पुलअप्स, हाई पुलअप्स। हाई पुलअप करने से क्या होगा, आपका मसलअप का एनर्जी बढ़ेगा। फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं मसलअप मेरी तरह।